मध्य प्रदेश के देवास जिले के भवरासा नगर के खेड़ापति हनुमान गढ़ी मंदिर प्रांगण में दिनांक 17 से 23 मई 2024 तक चलने वाले पंचकुंडीय विश्व कल्याणार्थ शिव शक्ति महायज्ञ के यज्ञाचार्य श्री पंडित दिनेश शास्त्री द्वारा प्रतिदिन संपन्न करवाया जा रहा है। यह यज्ञ 1008 श्री श्री धरानंद सरस्वती जी महाराज बीकानेर के सानिध्य में भवरासा नगर के खेड़ापति हनुमान गढ़ी मंदिर प्रांगण में चल रहा है। वही प्रतिदिन इस शिव शक्ति महायज्ञ के साथ स्वामी श्री श्री धरानंद जी सरस्वती द्वारा भागवत कथा भी प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक सुनाई जा रही है। यहाँ प्रतिदिन सुबह 8 बजे से ही चंडी यज्ञ एवं हवन आरंभ हो जाता है। वहीं महाराज जी द्वारा बताया गया है कि यह यज्ञ विश्व व नगर की सुख शांति के लिए किया जा रहा है, वहीं आने वाले समय में आने वाली आपदा व समस्याओं को रोकने के लिए किया जा रहा है। और कितने साल हो गए यज्ञ करते और क्या है पूरा मामला? ये शिव शक्ति महायज्ञ अगले साल भी हुआ था और इस साल भी जो है वर्तमान में आषाढ़ मास का जो महीना है इसमें 13 दिन का पखवाड़ा है और ये विश्व के लिए बहुत विध्वंसकारी है। बहुत अशुभ घटनाएं इसमें होगी और उन सब घटनाओं को भगवान सांब सदाओं से घटना न होने दे और संपूर्ण विश्व में शांति हो, सबको सब प्रकार का आनंद प्राप्त हो, इसलिए शिव भगवती शिव शक्ति की जगदम्बा की और भगवान शिव की आराधना के रूप में ये शिव शक्ति महायज्ञ होता है। शिव शक्ति महायज्ञ का बहुत पुण्य है, जो धन की इच्छा रखे उसको शक्ति की आराधना जरूर करना चाहिए। राजा महाराजा प्राचीन काल से अनंत जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से आज तक अनेक राजा महाराजा ने भक्ति के भगवान भक्ति जगदम्बा की आराधना की है। इंद्र ने भी स्वर्ग के देवता महाराज इंद्र ने भी एक देवी की आराधना की, भगवान राम ने भी देवी की आराधना की और अर्जुन ने भी देवी की आराधना की, भगवान कृष्ण ने भी आराधना की। तो अनादिकाल से भगवती को शक्ति प्राप्त करने की भगवती की आराधना की जाती है और इस समय तो भगवती की आराधना की परम आवश्यकता है, क्योंकि अभी आने वाले 10 साल हैं। ये आने वाले 10 साल बहुत कष्टकारक होने वाले हैं, ऐसे कष्टकारक होने वाले हैं कि जिसकी आमजन ने किसी भविष्यवक्ता ने भी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि इस क्योंकि आज से लेकर के आने वाले 9 संवत्सर और बचे हैं, ये संवत्सर एक से एक खतरनाक फल देने वाले हैं। इसलिए इन सब समस्याओं के खतरनाक फल से बचने के लिए हम सबको मिलकर के भक्ति की आराधना करना चाहिए। वो आराधना करने से शायद भक्ति की कृपा हो जाए और हम जो है उस कष्ट से बच जाए। कितना दिन का यज्ञ चल रहा है? ये यज्ञ 7 दिन का है। कब से शुरू दिन? हाँ, ये 17 तारीख से आरंभ हुआ है और सबसे प्रथम यजमानों का प्रायश्चित कर्म हुआ, प्रायश्चित करने के बाद मंडप प्रवेश हुआ, देवताओं का आह्वान हुआ, फिर अग्नि स्थापना हुई और चंडी यज्ञ आरंभ हो गया जो 23 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख तक को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आपका नाम? पंडित दिनेश। शिव शक्ति महायज्ञ सर्वस्व विश्व में शांति के लिए भयंकर आपदा आ रही है, इसको उसके निवारण के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए जनमानस का मन भगवान की ओर लगे, भगवान की ओर लगे, तो अगला समय बहुत कठिन आने वाला, भयंकर उत्पात होने वाले हैं। अगले आषाढ़ में 13 दिन का पखवाड़ा है, बहुत भयंकर परिणाम होगा। तो महाभारत काल में आया है, अभी आया है, इसलिए अनिष्टों जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। सारा विदेश में दुनिया में कुछ एटम बम ले खड़े हुए हैं, दोनों तरफ झगड़ा झगड़ा हो रहा है, मारने में वो तैयार है, इधर से गम उधर से गम। विनाशकाल का समय है, इस समय अनिष्ट को निवारण के लिए सर्विस में शांति स्थापना के लिए कार्यक्रम किस तारीख से यज्ञ चालू हुआ? ये कार्यक्रम 17 मई से 23 मई तक चलेगा, पूरा होगी भी होगी और उसके बाद यही प्रार्थना भगवान से कि भगवान जगदम्बा इस कार्यक्रम को आनंद से ग्रहण करें, सारे विश्व में शांति स्थापित हो जाए, सब सुख शांति मिले, सब में आप अपने प्रेम प्रेम जागृत हो रहे, जमन से दूर हो, किसी भावना से कर रहे हैं कार्यक्रम को इस तरह। आपका नाम? तुम्हारा नाम? हम वैसे पूर्ण किसी से रहे हम कृपाचु महाराज वाराणसी सरस्वती उनके शेष हमारा श्रीधरान सरस्वती के लिए हम आते भागवत चल रही है, भागवत भी चल रही है, भागवत पूर्णोत्सव 23 तारीख धन्यवाद आपको। सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।